हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अयूबी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेल्ट कंडोम को पहन सकते हैं। दोस्तों, बेल्ट कंडोम से आप सब लोग परिचित होंगे, वाकिफ होंगे। बेल्ट कंडोम उन लोगों के लिए बहुत ही कामयाब डिवाइस मानी जाती है जिनके लिंग में बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है, लिंग किसी वजह से उत्तेजना में नहीं आता है, चाहे उसका कारण कोई बीमारी हो या फिर बढ़ती उम्र हो या फिर लकवा पैरालिसिस की समस्या हो। साथ ही दोस्तों, बेल्ट लिंग उनके लिए भी बहुत ही कामयाब चीज है जो शीघ्र पतन का शिकार हैं, क्योंकि वो एक बार साधारण तरीके से संभोग करें उसके बाद वो बेल्ट लिंग पहनकर चाहे जितनी बार संभोग कर सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग सारी रात संभोग करना चाहते हैं, बार बार संभोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेल्टिंग बहुत अच्छी चीज साबित हुई है। उन लड़कियों के लिए भी जो अपनी महिला पार्टनर के साथ संभोग करना चाहती हैं। खैर, आज के वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है कि बेल्टिंग को पहना कैसे जाए। ये जो आप बेल्टिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल वाला बेल्टिंग है, आगे से सॉलिड है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये यहाँ पर जो आपका नेचुरल लिंग है, प्राकृतिक लिंग है, उसको यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए होल दिया गया है और यहाँ पर आगे की तरफ छेद भी दिया गया है। तो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो इस पर कंडोम चढ़ाना ना भूलें। अब हम जानते हैं कि इसको पहना कैसे जाएगा। एक बेल्ट लिंग को जब आप अनबॉक्स करते हैं तो उसके साथ आपको ये बेल्ट मिलती है। एक्चुअली में इसको हार्नेस कहते हैं और इसकी ही मदद से बेल्ट लिंग पहना जाता है। अब मैं साधारण भाषा में इसको बेल्ट कहूंगा। आप देख रहे हैं ये बेल्ट की ही तरह की रचना है। ये पीछे की तरफ इस तरह से वेलक्रोन से जुड़ी हुई होती है। इसको हटाने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, ये एक इंडिकेशन है कि ये वाला हिस्सा आपकी कमर की तरफ आएगा। अब आपको मैं इस तरह फैलाकर दिखा देता हूं। इसमें दो स्ट्रैप, दो छोटे स्ट्रैप आगे की तरफ हैं और दो बड़े स्ट्रैप जो हैं वो पीछे की तरफ हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, ये दो बड़े स्ट्रैप हैं और ये दो छोटे स्ट्रैप हैं। अब ये जो बेल्ट लिंक देख रहे हैं आप, इसमें चार होल दिए गए हैं, दो यहां पर हैं और दो यहां पर हैं। आपको मैं बता देता हूं कि आपको कौन से वाले ये जो फंदे हैं, जो स्ट्रैप हैं, ये कौन सी जगह पर फंसाने हैं। तो इसमें मैंने आपको एक मार्क तो ये बता दिया है कि ये वाला हिस्सा आपको पीछे रखना है। और ध्यान रहे कि ये जो ये वाला हिस्सा है, जो वेलक्रोन वाला हिस्सा है जहां से बेल्ट चिपकी हुई है, इसके साथ जो लंबे वाले स्ट्रैप है इनको आप पीछे की तरफ रखें, अभी हम इनको नहीं यूज कर रहे हैं। और ये जो आगे वाले हैं, अब मैं इनको यूज कर रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिए कि मैं इनको किस तरह से इसमें पिरोता हूं। ये आप यहां पे दो, यहां पर और यहां पर दो होल देख रहे हैं। देखिए, ये होल है और थोड़ा आपको ये पतला दिखाई दे रहा होगा। आप इसको उंगली की मदद से ऐसे कर सकते हैं ताकि इसमें को ये इजीली निकल सके। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसमें पिरो दिया है। ये थोड़ा टफ होगा ताकि आपकी जो पकड़ है वो मजबूत बनी रहे। अब मैं ये वाला हिस्सा इसमें डाल देता, ये देखिए, ये अब तैयार हो गया है आगे वाला हिस्सा। यहां पर अब आप इनको सिक्योर कर दीजिए, ये आगे का हिस्सा तैयार। अब ये जो पीछे वाले स्ट्रैप हैं, इनको हमें करना है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाले दो होल, तो ये मैंने लिया ये वाला हिस्सा और ये इसमें मैंने इसमें को निकाल लिया। ये होल बड़े हैं और इसमें निकालना ईजी है ऊपर वालों की तुलना में। इसी तरह सेम ये वाला कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये भी इस जो बटन दिए गए हैं इनकी मदद से सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये पहनने के लिए तैयार है। तो ध्यान रहे कि अब ये दो स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक स्पेस यहां पर बन गया है ये सर्किल और एक सर्किल यहां पर बन गया है। तो अब ये वाला जो हिस्सा है, जैसे आप पैंट में अपनी टांग डालते हैं तो टांग यहां से ऐसे डालेंगे,
दूसरी टांग यहां से अंदर की तरफ से ऐसे डालें। तो इस तरह दो टांगे आप डालेंगे और ये वाला हिस्सा इस तरह घूमता हुआ आपकी कमर के पीछे चला जाएगा और बिल्कुल प्राकृतिक लिंग की जगह आपका लिंग आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बेल्ट में वेलक्रोन वाला हिस्सा है ये किस लिए दिया गया है, चिपकने वाला हिस्सा। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप इसको अपने बेली साइज के हिसाब से, पेट के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चिपका सकते हैं, यहाँ पर चिपका सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आपने ये फास्टनिंग्स एक बार सिक्योर कर ली हैं तो आपको बार बार इनको खोलने की जरूरत नहीं। संभोग करने के बाद अब आप बेल्ट को यहाँ से उतार सकते हैं, धो सकते हैं और फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा, मैं एक बार फिर से इसका फुल व्यू आपको दे देता हूँ कि आपको कैसे बेल्ट जो है ये इस तरह से पहना जाएगा, एक टांग ऐसे जाएगी, दूसरी टांग ऐसे जाएगी और बिल्कुल प्राकृतिक लिंग की तरह आप संभोग का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों चलते चलते इसके होल के बारे में कमेंट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये होल कैसा है। देखिए ये होल इस तरह बनाया गया है कि चाहे आपका लिंग पूरी तरह से उत्तेजित हो यानी इरेक्ट हो, या फिर आपके लिंग में तनाव थोड़ा बहुत हो या बिल्कुल भी ना हो, आपका लिंग इसके अंदर इजीली फिट हो जाता है, पूर्णतः तनाव युक्त भी। तो चाहे आप शीघ्र पतन के रोगी होने की वजह से इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, चाहे आपके लिंग में पूरी तरह से तनाव आ रहा हो लेकिन आप बार बार संभोग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, यानी कुल मिलाकर ये सबके लिए बेस्ट है। चाहे लिंग में तनाव आता हो या ना आता हो, आप एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करके देखें और एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आप इसका इस्तेमाल बार बार करना चाहेंगे। अगर आप इसकी हार्डनेस, कड़ेपन के बारे में सोच रहे हैं, स्टिफनेस के बारे में, तो देखिए ये एकदम बिल्कुल इरेक्ट लिंग की भांति व्यवहार करता है, एकदम कड़ा है और योनि में बहुत आसानी से अंदर चला जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया, आपको बताया कि कैसे बेल्ट लिंग को पहना जाता है। ऐसी ही और वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हूंगा। मैं आपका डॉक्टर अयूबी, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।